तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं फर्स्ट इंडिया अखबार के दफ्तर की, क्योंकि वहां हर कोई कह रहा है हैप्पी बर्थडे डॉक्टर जेसी सर। सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र का आज जन्मदिन है और जयपुर स्थित फर्स्ट इंडिया अखबार के दफ्तर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सेलिब्रेशन की तस्वीरें हैं। सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी ने भी उन्हें बधाई दी है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं, क्योंकि डॉक्टर जगदीश चंद्र जो अपने आप में मीडिया पाठशाला है, जिन्होंने मीडिया को बहुत कुछ दिया है और जिस अंदाज में वो जर्नलिज्म करते हैं, वो न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सीख देता है। नवाचार करने की, नए टैलेंट को प्रोत्साहित करने की, और दो पारियां उन्होंने खेली हैं। एक पारी ब्यूरोक्रेसी में और दूसरी मीडिया में। लगातार लोकतंत्र के चार स्तंभ में से दो को वो मजबूत कर रहे हैं, एक को कर चुके हैं। साथ में पवन अरोड़ा जी जो जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए, और उनके व्यक्तित्व के बारे में आप जितनी बात करेंगे उतना आपको कम लगेगा, क्योंकि जो मुस्कान आपको दिखाई दे रही है, इस मुस्कान के साथ हजारों लोगों की मुस्कान जुड़ी हुई है। पत्रकारिता में रहते हुए, स्वतंत्र तौर पर निष्पक्ष होते हुए जर्नलिज्म करना वो सिखाते हैं। जेसी सर एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने लोकतंत्र के दो स्तंभों को बड़ी मजबूती से मजबूत किया है। ब्यूरोक्रेसी में नए आयाम स्थापित किए तो पत्रकारिता को नए आयाम दिए हैं। चैनल को उन्होंने देखने के साथ पढ़ना भी सिखाया है। हर खबर जरूरी है, ये जनता को उन्होंने एहसास कराया है। ना किसी से बैर, ना दोस्ती, जनता से ही सीधा संवाद, पत्रकारिता का नया अध्याय। वहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म था और आज जगदीश सर का जन्मदिन है, तो जगदीश और श्री कृष्ण में जो है नाम में भी सिमिलैरिटीज है, तो आज आप क्या कहेंगे, बिकॉज आज पूरा परिवार आपके साथ में है। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है। वो जन्मतिथि, वो उत्सव और छोटा सा उत्सव साथ हैं दोनों जी, तो उनकी प्रेरणा है, उनकी कृपा है, इसे कहते हैं। बस इस अवसर पर तो यही कहना है कि भाई 15 वर्ष मीडिया में पूरे हो गए हैं, अब कमान पवन जी को सौंप दी है जो है, तो उसको आगे बढ़ाएंगे विरासत को, इसको आपकी जो है। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम जो कुछ भी हैं, अखबार 4-5 साल में जिस लेवल पे पहुंचा है, अच्छे अच्छे लोग मानते हैं कि वी आर ओपिनियन मेकर्स इन द सिटी जो है, तो ये सब टीम वर्क के कारण हुआ है। तो आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, ऑल ऑफ यू। और ये जो सारा क्रेडिट है ये टीम को जाता है। टीम के साथ साथ हमारे जो डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र वीरेंद्र चौधरी जी, उनका भी लगातार कंसल्टेशन परामर्श रहता है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कुल मिला के एक अच्छा दिन है, जन्मदिवस, 15 साल पूरे होना और अखबार का आगे बढ़ना और आगे चुनाव की चुनौती होना, ये सारी बातें एक साथ हैं और हमें एक बार फिर से ये सारी चुनौतियाँ इनकी लीडरशिप में स्वीकार हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहूँगा, मैं चाहूँगा जो सब पहले से टीम मेंबर्स हैं वही बोलें, और इस मौके पे मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको आपके लंबे जीवन, सुखी जीवन और इसी एनर्जी के साथ हम सबको अपना आशीर्वाद देते रहने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने भी दिन मुझे हुए हैं, ये सारी टीम बहुत ही जुझारू टीम है और बहुत ही डेडिकेटेड टीम है, और रात को अखबार रिलीज होने तक सभी लोग जूझते रहते हैं, जूझते जूझते ही अखबार निकाला जाता है, ऐसे तो हो भी नहीं सकता, और अखबार एक करवट ले रहा है, अब कुछ नयापन इसमें देखने में आ रहा है। और एक बात ये यंग टीम है ये। हाँ, यंग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, और चाहे आप फ्रंट पेज देखें, चाहे आप सेकंड फ्रंट देखें, या अंदर के लोकल पेजेस देखें, सभी में कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और लोगों के बड़े अच्छे रिएक्शंस आ रहे हैं, सुझाव आ रहे हैं। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहूँगा कि सारी टीम के मिलकर के जो प्रयास है, और आने वाला जो चुनाव का टाइम है, जैसा आपने कहा कि चुनौती है चुनाव के टाइम, तो हम किसी भी लोकल हिंदी डेली से पीछे नहीं रहने वाले, और अगर कोई इस अखबार को पढ़ लेगा तो उसको फिर लोकल हिंदी डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसी पे हम काम कर रहे हैं। थैंक यू। राइट सर, आई नॉट से टू मच, बट
we've all heard a lot of quotations in our lifetime, you know, age is just a number, and you know, there are some men who will pursue their dreams beyond reality. But when I think I can say this for all of us is that when we meet and see our JC boss, so then it all actually comes true. Like I said yesterday when I wished him, that to the man who grows younger every year. And I think, sir, that you have been blessed enough by Ma Bauji, by God, with your family, with Pavan sir, Sushma ma'am, and all your brothers and sisters. And it gives me great pleasure to say that there is hardly anything we can give you. But today, as a team, we would like to gift you the birthday present, that we will remain 100% committed to taking First India to greater heights. And we assure you that we are with you in each of your dreams and promises, and this goes for both you, JC Boss sir, and Pavan sir. So once again, from all of us, a very happy birthday to you, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Are you ready?